टेक्स बुक सुपर कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों राइटिंग की हमने एक सीरीज चलाई है और इस सीरीज में आज हमारा जो एपिसोड है उसमें हम क्वालिटी के रिलेटेड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ठीक है तो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है दिस क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू योर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पी के बारे में दोस्तों पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वेन इट कम्स फॉर बोथ प्रम्स एंड मेन्स दोनों के लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी ने अपने मेंस एग्जाम में, में इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहता है डिस्कस द रोल ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमिटी इन एस्टैब्लिशिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल ओके तो ये क्वेश्चन इट इज फॉर टेन मार्क्स आपको वन फिफ्टी वर्ड्स में इसका आंसर लिखना है पहले दस मिनट में आपको देता हूँ इस क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से इसका कंटेंट याद करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद इसका एक आंसर लिखिए एंड आफ्टर दैट विल ट्राई टू एनालाइज के इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या आइडियल स्ट्रक्चर होना चाहिए था ओके सो इन द मीन टाइम मैं यहाँ पे एक टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ जैसे मैं टाइमर स्टार्ट करूंगा आप जो है अपना आंसर लिखना शुरू करेंगे आई होप आप सभी लोग पेन और पेपर लेकर साथ में बैठे हैं एंड यू आर इन अ पोजिशन टू राइट दिस आंसर सो यर स्टार्ट्स योर टाइमर आपका टाइमर स्टार्ट हो गया है प्लीज़ स्टार्ट राइटिंग ये आंसर Last fifty seconds left guys. लास्ट फाइव सेकेंड्स ना दाइमिंग इज ओवर सो एवरी वन विल पुट द पेन्स डाउन द टाइम इज ओवर सब अपने अपने पेन्स नीचे रखेंगे आई होप मोस्ट ऑफ यू ऑल वर एबल टू कंप्लीट दिस आंसर जिनका नहीं हुआ है इट्स फाइन वील बी डिस्कसिंग क्वेश्चन नाउ ठीक है तो नाउ वही जो हमारी जो एसओपी थी उसी को फॉलो करेंगे दोस्तों क्या थी हमारी एसओपी सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और दो चीजें आइडेंटिफाई करनी है वो दो चीजें कौन सी है एक चीज होता है आपका टॉपिक कि कौन से टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है और दूसरा होता है क्या कि आपका डिरेक्टिव वर्ड क्या है तो सब लोग कमेंट्स में जल्दी जल्दी बताएंगे कि टॉपिक क्या था क्वेश्चन का और डिरेक्टिव वर्ड क्या था लेट्स रीड द क्वेश्चन क्वेश्चन कहता है डिस्कस द रोल ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमिटी इन the द of ऑफ गवर्नमेंट टू people, ओके तो ऑब्वियसली आपका टॉपिक क्या हुआ आपका टॉपिक हो जाता है पब्लिक अकाउंट कमिटी और आपका डिरेक्टिव वर्ड हो जाता है डिस्कस राइट दिस इज वॉट द क्वेश्चन आपको सिर्फ में आंसर लिखना है और इस 150 वर्ड्स में आपको एग्जामिनर को यह बताना है कि पब्लिक अकाउंट कमिटी जो है ये किस प्रकार से अकाउंटेबिलिटी एस्टेब्लिश करती है गवर्नमेंट की उसके लोगों तक ठीक है नाउ दिस इज हाउ डू यू स्टार्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन राइट क्योंकि हमारा जो इंट्रोडक्शन मेन बॉडी और कंक्लूजन वाला फॉर्मेट था उसी को फॉलो करेंगे हाउ डू यू इंट्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अब तीन तरीके होते हैं इंट्रोडक्शन करने के एक है डेफिनेशन लिखो दूसरा है उसके करंट कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई न्यूज आई है तो वो लिखो या फिर उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाओ राइट अब यहाँ पे एक नया अप्रोच फॉलो करेंगे ओके इस क्वेश्चन में एक वर्ड उन्होंने मैंशन किया है अकाउंटेबिलिटी राइट और अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ये कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक फीचर है ये एक जब भी हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ते हैं तब इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम पढ़ते हैं कि ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जो एक अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है मतलब इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इट इज द एग्जीक्यूटिव विच इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर राइट तो वाई नॉट वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन बाई गिविंग अ कॉन्टेक्सट ऑफ वॉट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड हाउ द पब्लिक अकाउंट कमिटी इज हेल्पिंग इन एस्टैब्लिशिंग दिस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गेंट इज दैट इट इज अ रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्मेंट ओके की हमने कहा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्मेंट एक रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज होती है ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज इसी चीज को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने की कोशिश करती है राइट बिकॉज पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या है पार्लियामेंट्री कमिटीज गवर्नमेंट के रिपोर्ट को स्क्रूटिनाइज करती है वही काम करती है तो देर फोर द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज एंश्योर्स एग्जैक्टली दिस फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट अब नाउ इफ आई रीड दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन इज स्पेसिफिकली आस्किंग मी अबाउट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तो अब मुझे एग्जामिनर को यह बताना होगा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है क्या तो वो मैंने डायग्रामेटिकली एग्जामिनर को बता दिया कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो एक इलेक्टेड कमेटी है और इलेक्शन के इलेक्शन इलेक्शन कौन करवाता है कि पार्लियामेंट इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट थ्रू अ सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अगर आपने आपका स्टैटिक ठीक से पढ़ा है तो ये सारी चीजें आपको पता है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है ये सबसे पुरानी पार्लियामेंट्री कमेटीज में से एक कमेटी है इस कमेटी का गठन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 जिसे मोन्टेगू चेंज फॉर्म रिफॉर्म्स भी कहते हैं इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के तहत इस पर्टिकुलर कमेटी को बनाया गया था 1921 में पहली बार ये कमेटी बनी थी राइट तो ये सब चीजें आपको पता होगी राइट सो आई फर्स्ट मैंने एग्जामिनर को आप वो सारी चीजें भी इसमें इस अगर आपको और अगर चीजें अगर वो ऐड करनी तो आप और चीजें ऐड कर सकते हो इस डायग्राम में आप लिख सकते हो कि यस इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमिटीज राइट कब बनी थी तो आप लिख सकते हो कि 1921 में बनी थी फिर आपने लिखा कि उसका इलेक्शन कैसे होता है फिर हमने लिखा कि मिनिस्टर्स जो हैं वो इस वो इस कमेटी का मेंबर नहीं हो सकते हैं इसके बाद हमने लिखा कि जो चेयरमैन होता है इट डज़ नॉट बिलोंग टू द रूलिंग पार्टी एंड इट हैज़ अ टेन्यूर ऑफ वन ईयर एक साल का टेन्यूर होता है तो बेसिकली हमने इस डायग्राम के थ्रू एग्जामिनर को पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी के फीचर्स बता दिए विच इज़ द टॉपिक ऑफ द क्वेश्चन राइट सो इन योर इंट्रोडक्शन विद द यूसेज ऑफ मिनिमम वर्ड्स कम से कम वर्ड्स यूज करके हमने एग्जामिनर को बताया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी किस प्रकार से इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पूरा करती है और उसके बाद जो टॉपिक में एक प्रकार की पार्लियामेंट्री कमेटी जिसका नाम है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को पूछा गया था उसके फीचर्स हमने बता दिए तो इंट्रोडक्शन में एग्जामिनर को यह पता चल गया है कि वॉट इज अ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वॉट इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड हाउ दिस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी इज फुलफिल दर्जन ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट राइट ओके अब इंट्रोडक्शन लिखने के बाद मैं हमेशा कहता हूँ कि वापस जाओ और एग्जाम को और क्वेश्चन को पढ़ो क्वेश्चन ने क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन ने आपसे यह पूछा है कि यह क्या रोल प्ले करती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तो आपको यह रोल बताना होगा कि हाउ डज इट एस्टैब्लिश द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इट्स पीपल

रिपोर्ट्स इज फाइंडिंग टू द पार्लियामेंट और इस पब्लिक अकाउंट कमेटी को जो भी उस रिपोर्ट्स की स्क्रूटिनाइजेशन के बाद उसको जो भी रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट वो पार्लियामेंट को सबमिट करती है और पी कौन कौन से फंक्शंस फॉलो करती है तो ये ये फंक्शंस करती है कौन कौन से ये इट एक्ट एज द वॉसडॉक ऑफ द पब्लिक पर्स बाय एग्जामिनिंग द ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोपरेशन अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट तो जैसे मैंने कहा कि तीन प्रकार के रिपोर्ट जो है वो कैक सबमिट करता है वो होता है ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोपरिएशन अकाउंट ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल अकाउंट एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स तो इन तीनों रिपोर्ट को एग्जामिन करने का काम कौन करती है पब्लिक अकाउंट कमेटी राइट तो ये हमने उसको बता दिया उसके बाद इट स्क्रूटिनाइज अप्रोपरेशन अकाउंट टू वेरीफाई इफ द फंड वीगली अवेलेबल मतलब जिस चीज के लिए पैसा खर्च हुआ क्या वो पैसा लीगली अवेलेबल था कि नहीं वो भी ये कमेटी चेक करती है इट वेरीफाइज इफ़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वेरीफाइड इट्स यूज मतलब कि क्या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब क्या पार्लियामेंट ने इस पैसे को यूज करने को कहा था कि नहीं या फिर गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से वो पैसा यूज किया है ये चीज़ वो चेक करेगी अपार्ट फ्रॉम दैट इट एस्टैब्लिशेज द अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट बाई एग्जामिनिंग द बजेटरी अप्रोप्रिएशन एंड अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट तो आपको पता होगा कि डिमांड फॉर ग्रांट्स होता है तो वो डिमांड फॉर ग्रांट्स का भी चीज वेरीफिकेशन यहाँ पर होता है अपार्ट फ्रॉम दैट इट एग्जामिन द डिमांड फॉर एक्सेस ग्रांट्स बिफोर दे आर प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट जब भी गवर्नमेंट को और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है उसका स्क्रूटिनाइजेशन भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करती है तो ये सारे फंक्शंस हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सो so, ये फंक्शंस जो हैं ये आप सभी लक्ष्मीकांत में ये सारे फंक्शंस पढ़ते हैं वेन वी ट्राई टू रीड पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जब भी हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पढ़ते हैं ये सारी चीज़ें आपके लक्ष्मीकांत में लिखी गई है वही चीज़ों को हमने शॉर्ट करके पांच पॉइंट्स में उसको लिखकर आपको बताया है राइट तो अब इन पांच चीज़ों से हमको क्या समझ में आ रहा है इन पांच चीज़ों से हमें ये समझ में आ रहा है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है ये एक वॉचमैन की तरह काम कर रही है और ये चेक करिए कि क्या सच में जो पैसे खर्च किए गए थे क्या वो सही कॉज के लिए खर्च किए गए थे कि नहीं किए गए थे राइट सो दे फिर कंक्लूजन uh, में आके कंक्लूजन में आके हम क्या लिखेंगे इन द द लाइट ऑफ अबाउट इट कैन बी कंक्लूडेड दैट पी एसी स्ट्रिक्ट विजन ऑन द पब्लिक पर्स मतलब जो भी सरकार का पैसा है उसके ऊपर बहुत कड़ी नजर रखती है कौन पब्लिक अकाउंट कमेटी वो देखती है कि क्या जो पैसा खर्च हो रहा है वो सही कॉज के लिए खर्च हो रहा है या नहीं राइट इट ऑल्सो एक्ट एज ए टूल टू फ्रेम देअर ओपिनियन फॉर द करमेंट इन पावर मतलब अगर आपको पता होगा कि वो 2G जी स्कैम हुआ था या फिर डीमोनेटाइजेशन के वक्त आपको पता होगा कि पी ने ये भी कहा था कि अगर उर्जीत पटेल ने जो रिपोर्ट सबमिट किया अगर वो रिपोर्ट में उन्हें कुछ गलत दिखाई देता है तो वो प्राइम मिनिस्टर को बोलेंगे कि आप आओ और डीमोनेटाइजेशन का जस्टिफिकेशन दो राइट विच मीन्स वॉट इट इज द टूल विच हेल्प द पीपल टू फ्रेम देअर ओपिनियन लोगों को पता चलता है कि ये जो सरकार है ये अच्छी सरकार है या फिर करप्ट सरकार है यह अच्छे कॉज के लिए पैसा खर्च कर रही है या बुरे कॉज के लिए पैसा खर्च कर रही है राइट सो इट ऑल्सो एक्ट एज अ टूल विच हेल्स ए पीपल टू फ्रेम देर ओपिनियन फॉर द करंट गवर्नमेंट इन पावर और इसके लिए हम ये कह सकते हैं पी एस सी हैज़ बिन एस्टैब्लिशिंग फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ऑफ़ द गवर्नमेंट टू द पीपल और इसी वजह से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो एक प्रकार की फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश करती है राइट ओके सो वॉट वॉज रिक्वायर्ड कि आप ये फंक्शंस बताएं एग्जामिनर को और ये फंक्शंस से कैसे फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी एस्टेब्लिश होती है दिस इज वॉट वॉज द नीड ऑफ द क्वेश्चन अब मैंने देखा है कि कुछ कुछ लोग इस टॉपिक के बाद फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी के क्या क्या ड्रॉबैक्स है वो बताएंगे नाउ गिवन दैट यू हैव ओनली 150 फिफ्टी वर्ड्स टू एक्सप्रेस योर आंसर और इस 150 फिफ्टी वर्ड्स में आपको ये मेन एग्जामिनर को बता बताना कि अकाउंटेबिलिटी कैसे होती है तो मुझे नहीं लगता आपके पास इतनी जगह बचेगी कि आप एग्जामिनर को पी एस सी के ड्रॉबैक्स भी बताओगे अगर ये टू फिफ्टी वर्ड्स का होता तो फिर भी ठीक था वन फिफ्टी वर्ड्स में इतना कंटेंट लिखना इज मतलब आप एक तो आपका वर्ड लिमिट एक्सटेंड होगा दूसरा आपका टाइम जो प्रेशर से वो भी खाली फुकट खर्च होगा सो दे फोर वॉट आई मीन टू से प्लीज कीप चेक ऑन वॉट इज कितने वर्ड्स में आपको क्या आप उस क्वेश्चन के डिमांड को मीट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो आई थिंक विद द कंटेंट दैट आई गिवन यू आर लेजेडली एबल टू मीट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्योंकि एग्जामिनर को पता चल रहा है इन पांच पॉइंट से कि किस प्रकार से वो अकाउंटेबिलिटी एस्टेब्लिश हो रही है ओके सो दिस वॉज द क्वेश्चन फॉर द डे आई होप यू हैव एंजॉय दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जिन लोगों का आंसर पूरा नहीं हुआ है उस वो इस वीडियो को पॉज करे पीछे जाकर कंटेंट को देखे और आंसर लिखने की कोशिश करे ओके अपार्ट फ्रॉम दैट जाते जाते मैं आपको सुपर कोचिंग के बारे में कुछ बताना चाहूंगा तो दिस इज वन स्टॉप सोलूशन फॉर यू पी एस प्रिपरेशन जहां पर हम आपको 30 से भी ज़्यादा कोर्सेज प्रोवाइड करें दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम में राइट दीज वी इन टू जी एस कोर्सेस सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज ऑप्शनल कोर्सेज एंड ऑल्सो सी सैट अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर गोइंग गिविंग यू लाइव क्लासेस प्रैक्टिस टेस्ट मॉक टेस्ट स्टडी नोट्स एक्सेट्रा अपार्ट फ्रॉम दैट ए यूएसपी हमारे uh, सुपर कोचिंग की यह है कि यू गेट टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट टीचर्स ऑफ द Nation, okay, and all of this is available to you at a very, very affordable cost of rupees twenty nine thousand nine hundred ninety nine. If you use my coupon code, which is my name, Akash, okay. Thank you so much, guys. Bye, bye. Take care.